इतने सारे पॉजिटिव रिव्यू, 15 दिन में काम करता है ये, अंडर 150 आपको ये मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, हेलो लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड एंड फाइन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ उसका नाम है टेस्टुडो ब्रेस्ट क्रीम। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, टेस्टुडो ब्रेस्ट क्रीम। ये प्रोडक्ट बेसिकली फेमस है ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, ब्रेस्ट टाइटनिंग। तो अगर आप अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं या फिर यूज़ करने वाले हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि क्या होता है आप वीडियो स्किप कर करके देखते हैं और फिर सही चीज़ भी नहीं देख पाते हैं, जिसके कारण सही प्रोडक्ट आप सही से यूज़ नहीं कर पाते हैं। ओके, इस वीडियो में मैं इस प्रोडक्ट के बारे में ये सारी चीज़ें बताने वाली हूँ कि ये प्रोडक्ट यूज़फुल है या नहीं है, इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, राइट। तो जो भी चीज़ अगर आप टेस्टुडो ब्रेस्ट क्रीम यूज कर रहे हैं या फिर यूज करने वाले हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल यार, क्योंकि सच में ऑनेस्टली आपको सब्सक्राइब करने में एक मिनट भी नहीं लगता है, पर आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपको फेक रिव्यूज से बचा के रखूँ, प्रोडक्ट्स के बारे में इस तरह से रिव्यू करूँ कि आप अच्छे से समझ भी जाएं और आप फेक रिव्यूज से बच भी जाएं, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि सच में आपका सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो चलिए बिना आपका और मेरा टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करना चाहूंगी हाउ टू यूज की। तो इसका हाउ टू यूज बहुत ज्यादा सिंपल एंड ईजी है, सिंपल चीज को कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना चाहिए। ओके, तो इसका हाउ टू यूज नॉर्मल, जैसे आप सुबह नहाकर आते हैं, उसके बाद आपको इसको सफिशियंट अमाउंट, जितनी ज़रूरत है उतनी ही आपको इसको लेना है और सर्कुलर मोशन में मसाज करना है 10-15 मिनट तक, और डाउनवर्ड टू अपवर्ड। तो बस ये इसका हाउ टू यूज़ है, सुबह और रात, आपको रात में सोने से पहले, ओके रात में सोने से पहले आपको इसको यूज़ करना है। तो इसका हाउ टू यूज़ बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और ये सारे स्किन टाइप्स के लिए, ऐसा कुछ नहीं है कि आप मत लगाइए। तो इसका हाउ टू यूज़ ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपको रेगुलरली इसको यूज़ करना है और ये प्रोडक्ट कह रहा है विद इन 15 डेज ऑफ यूज़ आपको इसका रिजल्ट मिलने लगेगा। जी हाँ, पर ओके, अगर ये प्रोडक्ट कह रहा है तो ये प्रोडक्ट के क्लेम्स है, ठीक है, कि विद इन 15 डेज आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। आप जब इसको यूज़ करेंगे ना, 15 दिन के अंदर अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा, और जहाँ तक मुझे पता है किसी भी प्रोडक्ट को जब आप यूज़ करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाता है, पर एकदम परफेक्ट रिजल्ट नहीं मिलता है 15 दिनों में। बट लेट्स सी, आगे वीडियो में मैं बताऊंगी वही सब चीज़ें। बात है साइड इफेक्ट्स की, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलती हूँ कि किसी भी प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो प्रोडक्ट मैं बता रही हूँ, रिव्यू कर रही हूँ, उसका तो साइड इफेक्ट हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं। हर प्रोडक्ट के किसी ना किसी तरह से साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेस से लेस भी अगर हो सकते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके बिल्कुल भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। बट द थिंग इज कि क्या होता है वो हमारे स्किन टाइप पे डिपेंड करता है, ठीक है। इस प्रोडक्ट में क्या इंग्रेडिएंट है जो हमारे स्किन टाइप से सूट नहीं कर रहा है, तो कि हमें उस जिससे कि साइड इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि इस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स मेंशन नहीं है तो थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है बताना। बट स्टिल मैं कहना चाहूँ, पहले आप पैच टेस्ट करके देख ले, अगर आपको कोई भी साइड इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा है, भले ही ये स्किन में लगाने की बात नहीं है बट फिर भी मैं कह रही हूँ पैच टेस्ट के लिए, ओके। तो अगर आप देख रहे हैं कि आपको कुछ नहीं हो रहा है, साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है, रेडनेस नहीं हो रही है, इचिंग नहीं हो रही है, इरिटेशन नहीं हो रही है, देन गुड एंड फाइन, आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट बिल्कुल अच्छा है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको कुछ साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है तो ओके। बट अगर आपको कुछ भी थोड़ा सा भी लग रहा है रेडनेस वगैरह, इचिंग, तो प्लीज़ डोंट यूज़ इट, मत करिए ऐसा, ओके। अपने स्किन का ध्यान रखिए, ये सब ध्यान रखिए, ये सब चीजें मत करिए, अगर कुछ साइड इफेक्ट हो रहा है प्लीज डोंट यूज इट, ओके। बात है प्राइस और क्वांटिटी की और अवेलेबिलिटी की, कि हाँ ये प्रोडक्ट आपको कहाँ पे मिलेगा, फेक प्रोडक्ट मिलने की संभावना रहती है। जी हाँ, तो ये प्रोडक्ट आपको मीशो पे मिल जाएगा। मीशो पे आप जब इस प्रोडक्ट को सर्च करेंगे ना तो बहुत सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा लें। तो डिफरेंट डिफरेंट सेलर्स है, डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे बेचते हैं। तो ये प्रोडक्ट आपको जहाँ का मैं बता रही हूँ 123 रुपये में मिल जाएगा, 123 रुपीज में आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्वांटिटी आपको मिलती है 30 ml, जो कि आराम से आपका चल जाएगी बहुत ज़्यादा दिनों तक, जबकि इस प्रोडक्ट का कहना है कि सिर्फ 15 दिन में, बट नहीं, क्वांटिटी मिलती है 50 ml, तो वो बहुत ज़्यादा दिनों तक चल जाएगी, ओके। तो ये प्रोडक्ट आपको मीशो पे मिलेगा, क्वांटिटी मिलेगी आपको 30 ml, और आपको अच्छा सफिशियंट यूज़ हो जाएगा, ओके। प्राइस 123 रुपीज़ है, ओके। आई होप आपको प्राइस, क्वांटिटी, अवेलेबिलिटी समझ में आ गई होगी। अब आते हैं क्लेम्स पर, कि हम ये प्रोडक्ट को यूज़ क्यों करें, इस प्रोडक्ट को यूज़ करने से क्या होगा, राइट। क्योंकि कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है तभी हम किसी प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, अपने नीड्स के हिसाब से, अपने यूजेस के हिसाब से, राइट। तो इस प्रोडक्ट का क्लेम है, इस कंपनी क्लेम करती है कि ये आपके ब्रेस्ट को टाइटन करता है। जी हाँ, बहुत लोगों में ये प्रॉब्लम्स आती है कि आपके ब्रेस्ट टाइटन नहीं हो, ब्रेस्ट को टाइटन करता है, जी हाँ, और आपके ब्रेस्ट को इनलार्ज करता है।
और एक चीज, बिलो 18 इसको आप यूज मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये अबव 18 प्रोडक्ट, बिलो 18 आप इसको यूज मत करिएगा, उसके ऊपर के एज वाले ही इसको यूज करिएगा, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट का क्लेम यही है कि इससे आपका ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होगा, और इसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि साथ में कुछ डाइट लीजिए तब होगा, जी नहीं, सिर्फ आप इस प्रोडक्ट को लगाएंगे आपका ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होगा, आपका ब्रेस्ट यू नो टाइटनिंग होगा। तो यहाँ पे थोड़ी सोचने वाली बात आ जाती है ऑब्वियसली, क्योंकि देखिए सिर्फ किसी प्रोडक्ट को लगाने से अगर ऐसा हो जा रहा है तब तो ये बहुत अच्छी बात है, राइट। तो फिर कुछ डाइट प्रॉपर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो भी सप्लीमेंट्स होते हैं ना, जो भी आप कुछ प्रोडक्ट खाते हैं, प्रोडक्ट लगाते हैं, ठीक है, इस तरह को, जैसे फैट गेन, फैट लूज, इस तरह की चीज़ें में, तो उसमें यू नो कुछ डाइट भी मेंशन किया जाता है कि ये करिएगा वो होगा, क्योंकि डाइट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब तक आप डाइट मेंटेन नहीं करते हैं उस चीज़ से रिलेटेड, दोनों चीज़ें मिलकर काम करती है, प्रोडक्ट और डाइट। तो ये थोड़ा सोचने वाली बात है, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि यू नो डाइट, ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा है कि डाइट लीजिए, बस कहा जा रहा है यूज़ दिस प्रोडक्ट और ये ऐसा होगा वो भी विद इन 15 डेज। ये तो और ज़्यादा सोचने वाली बात है कि कैसे ऐसे हो सकता है, 15 दिनों में कैसे हो सकता है कि आपको पूरा रिजल्ट मिल जाए, कैसे पॉसिबल है यार, कम से कम 1 मंथ तो दो, ठीक है। 15 डेज में हाँ रिजल्ट थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है, पर बिल्कुल ही रिजल्ट मिल जाना ये 1 मंथ का काम है, कम से कम 1 मंथ, 2 मंथ्स लगते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा यू नो मेरे लिए शॉकिंग है सुनना कि ऐसा हो रहा है। ओके, तो अब आते हैं मुद्दे पर, क्या ये प्रोडक्ट यूजफुल है, क्या हमें इस प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए, क्या ये जो सारी बातें यू नो इस प्रोडक्ट में क्लेम की जा रही हैं, क्या वो सारी बातें सच है। तो यार टू बी ऑनेस्ट मैं बताना चाहूंगी, ये प्रोडक्ट यूजफुल नहीं है, आप इस प्रोडक्ट को यूज मत करिए, जी हाँ। जस्ट नॉर्मल है ये, ठीक है, आप नॉर्मल इसको यूज कर सकते हैं, बस इससे अगर आप चाहेंगे कि आपका यू नो जो भी क्लेम कर रहा है वैसा हो तो वैसा नहीं होगा। अब आप बोल रहे होंगे कि अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है, तो प्लीज़ इस प्रोडक्ट को यूज़ मत करिएगा, अपने पैसे वेस्ट मत करिए, ठीक है, 1 रुपया भी बहुत कीमती होता है, ठीक है, तो प्लीज़ डोंट वेस्ट, पैसे को अच्छे से रखना सीखिए, ओके, और यू नो डोंट वेस्ट योर मनी। जब तक कोई भी प्रोडक्ट बिल्कुल यू नो यूजफुल नहीं है उस प्रोडक्ट को मत ले, ठीक है। मैं तो रिव्यू देती ही हूँ, ठीक है, मेरे रिव्यू कभी आपको फेक नहीं मिलेंगे, मैं हमेशा ऑनेस्ट रिव्यू देने की कोशिश करती हूँ। तो ये प्रोडक्ट फेक है। और अब आप बोलेंगे कि आप कैसे बोल सकती हैं, मीशो पे तो इतने पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं। तो सैडली बट मुझे कहना पड़ रहा है कि मीशो पे पॉजिटिव रिव्यूज़ इसलिए है क्योंकि वहाँ पे उनको कैशबैक मिलता है, इसलिए ओके। तो प्लीज़ ये प्रोडक्ट यूजफुल नहीं है, डोंट यूज़ इट। तो बस यही था मेरा रिव्यू इस प्रोडक्ट के ऊपर, टेस्ट टू ब्रेस्ट क्रीम के ऊपर, जो भी चीज़ें मुझे लगी मुझे आपको बतानी चाहिए, मैंने वो आपको बता दी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सच में यार आपको सब्सक्राइब करने में 1 मिनट भी नहीं लगता, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ ईजिली लैंग्वेज में बोलूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, हर किसी को समझ में आ जाए, हर किसी को समझने का हक है, ज़रूरी नहीं कि जिसको इंग्लिश आता है सिर्फ वही समझे, ठीक है। इसलिए मैं हिंदी में वीडियोज़ इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि हिंदी बोलूँ, बीच में थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बोल देती हूँ। देखिए मैं चाहती हूँ कि मैं जो प्रोडक्ट का वीडियो बना रही हूँ वो आप समझे बस, ठीक है, चाहे कोई भी लैंग्वेज में आपको समझ में आनी चाहिए, ओके। मैं बस चाहती हूँ कि जो मैं वीडियो बना रही हूँ आप समझे, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करने में 1 मिनट भी नहीं लगता है, पर आपका 1 सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्टे सेफ एंड टेक केयर, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जीना इसी का नाम है।